वेलकम टू माई पुष्पा ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। आज मैं आपको कोई ब्यूटी से रिलेटेड मैं टिप्स नहीं देने वाली हूँ। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। जो मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व रिसॉर्ट गई थी, वहाँ का जो मेरे साथ हुआ बैड एक्सपीरियंस, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए आप लोग ये वीडियो देख ले। अगर वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आप जो टाइगर रिजर्व रिसॉर्ट के बारे में पूरी जानकारी ले लें तभी जाएँ। तो मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। मैंने इसे ऑनलाइन बुक कराया था। इसके रूम की प्राइस थी 4,500 रुपीज, जो वहाँ पे जितने रूम के प्राइस के हिसाब से रूम की साइज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वहाँ के लाइट प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं देंगे, ये जानकारी आपको बुकिंग के समय नहीं बताते हैं। लाइट सिर्फ आपको थोड़े देर के लिए देंगे। एसी आपको चलेगा रात को 7 से 12, 12 बजने के बाद आपका लाइट पूरा कट ऑफ कर देंगे। ना पंखा चलाएंगे, ना लाइट चलाएंगे, ना कुछ भी नहीं चलेगा। और रहा फूड क्वालिटी की बात, तो वहाँ का फूड क्वालिटी बहुत ही बैड है। मैं खाई तो तुरंत 1 घंटे के बाद से ही वोमिटिंग होने लगी। और सर्विंग की बात बोलें तो वहाँ पे आपको कुछ स्नैक्स अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको कागज़ के प्लेट में सर्व किया जाएगा। मैंने वेज पकौड़ा ऑर्डर की थी तो आपको कागज़ के प्लेट में ही सर्व किया, और ना सॉस चटनी कुछ भी नहीं। अगर आप मांगोगे तो बहुत देर के बाद आपको उसी कागज़ के प्लेट में ही उसी पे आपको देंगे, और चाय भी आपको कागज़ के प्लेट ग्लास में ही देंगे। रूम सर्विस की बात करें तो वहाँ रूम में जो आपको टॉवल अवेलेबल रहता है वो बहुत ही गंदा रहता है, और एक ही टॉवल आपको देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मांगोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाथरूम में कोई साबुन ये सब भी नहीं रहता है, और पानी बहुत ही पतला गिरता है, आप नहा नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल कहो तो मेरा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। चलो मैं आपको, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है रूम जो 4,500 रुपीज मैंने इस रूम के पेड की हूँ, जो इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतने छोटे से रूम है, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, और सर्विस बिल्कुल ही ख़राब है। और बहुत ही, चूँकि ये वुडन का है तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, और लाइट इन लोग देते नहीं है, फ़ैन पंखा कुछ नहीं चलाते। मैं बाथरूम में आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। बाथरूम की साइज़ तो है बड़े, लेकिन आपको यहाँ पे पानी सही से नहीं मिलेगा। तो वैसे बाथरूम रहने से क्या फ़ायदा जब आपको पानी ही नहीं मिल रहा है। इतने पतले में आप बाल्टी में पानी भरोगे तो 1 घंटे लग जाएंगे। गीजर रहने से कोई फ़ायदा नहीं, टीवी रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको लाइट ही नहीं दिया जाएगा तो उसकी आप फैसिलिटी कैसे उठाओगे। तो ओवरऑल बहुत ही बैड रहा यहाँ का। मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वोमिटिंग होने लगा, मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं ये होता है। और अगर आप उन लोगों को बोलोगे कि आप रिक्वेस्ट करोगे फ़ैन पंखा चलाने के लिए, तो वो लोग सीधे बोलेंगे बाहर का मौसम ठंडा है, आप लोग बाहर में रहें। तो आप गाइज ये बताएं कि आप इतना पैसा पेड करके, कि आप वेदर का पैसा पेड कर रही हैं, ये तो मैं बताऊँगी ना कि मुझे कहाँ रहना है, मैं रूम में रहूं या बाहर रहूं। लेकिन कितना भी बोलने पे, रिक्वेस्ट करने पे भी मैं वो लोग बात नहीं सुनते। तो मैंने मैनेजर से डायरेक्ट बात की, तो सुबह में उन लोगों ने 7 बजे फ़ैन सिर्फ चलाया, और वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं रहती है। वहाँ जनरेटर और सोलर से काम चलता है, लेकिन वो लोग उसमें भी नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मौसम ठंडा है, बाहर रहिए बाहर रहिए। तो आदमी जब बाहर घूमने जाते हैं तो वो एंजॉय करना चाहते हैं, रूम में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। गाइस बस मेरा यही बनाने का मकसद था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब